हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है रेड डेटा बुक। व्हाट इज रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। RDB यानी कि रेड डाटा बुक वो बुक है, जिस वो सोर्स है बुक का, जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो भी एनिमल्स या प्लांट खतरे में है, मतलब जिनकी गिनती इतनी कम हो चुकी है कि वो डिसअपियर हो सकते हैं। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। रेड डाटा बुक को इंटरनेशनली यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया आल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया भी रेड डाटा बुक मेंटेन करता है जो प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया में मिलते हैं। माइग्रेशन। Migratory birds have flown to our reservoir from other parts of the world. दुनिया के बाकी हिस्सों से तवा रिजर्वॉयर में माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो उड़ के आ गए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेट यानी जलवायु में परिवर्तन की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो अपने एरिया से दूर एरिया में चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। वो अपने जो अंडे होते हैं उन्हें देने के लिए फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है वहां पे जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है और अनुकूल नहीं रहता, या फिर प्रतिकूल हो जाता है, फेवरेबल नहीं होता। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स, ऐसे पक्षी जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और किसी दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इट टेक्स 7 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 17 पूरे तरीके से डेवेलप हुए ट्रीज को हमें काटना पड़ता है या हमें चाहिए ताकि पेपर का 1 टन हम लोग बना सके। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर सेव करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं 5 से 7 बार ताकि हम लोग उसको रियूज करते जाएं। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर एक स्टूडेंट कम से कम पेपर की 1 sheet एक दिन में बचाए तो हम लोग बहुत सारे ट्रीज 1 साल में बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें बचाना चाहिए, जो पेपर यूज किया हुआ है उसको रीयूज करना चाहिए किसी और फॉर्म में, और इसको रिसाइकलिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि आपने जो पेपर यूज कर लिया है वो दोबारा फैक्ट्री, दोबारा इंडस्ट्री में जाएगा और आपको एक नई फॉर्म में वापस यूज करने के लिए मिल जाता है। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. इस तरीके से ना सिर्फ हम लोग trees बचा पाएंगे बल्कि energy और water भी बचा लेंगे जो कि paper को बनाने में लगता है। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. इसके अलावा जो harmful chemicals का amount है जो paper बनाने में use करते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि हमें पेपर में सेव होना चाहिए, रीयूज और रिसाइकलिंग, ये 3 स्टेप यूज करने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए ट्रीज को प्लांट करना है
ताकि जो पुराने जंगल थे उनका जो डिस्ट्रक्शन किया हमने, जो जंगलों की तबाही की, वो दोबारा से क्रिएट हो सके, उस प्रोसेस को रिफोरेस्टेशन कहते हैं। डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों को खत्म करना, तो रिफोरेस्टेशन क्या होगा, जंगलों को बनाना। या फिर अगर पुराने ट्रीज को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और उनकी जगह पर नए ट्रीज को हम लोग प्लांट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। जो ट्रीज प्लांट किए गए हैं वो आमतौर पर उसी स्पीसीज के होते हैं जो कि जंगलों में मिलते थे। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो जितने हम लोग ट्री काटते हैं, कम से कम उतने ट्री तो हमें उगाने ही चाहिए। सबसे ज्यादा लगा सकते हो, लेकिन कम से कम उनके इक्वल तो रखना ही चाहिए। रिफोरेस्टेशन टेन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफोरेस्टेशन अपने आप भी होती रहती है कुदरती। इफ डिफोरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट री एस्टेब्लिश इट सेल्फ। जो एरिया हमने डिफोरेस्ट कर दिया, हमने ट्रीज काट दिया, अगर हम लोग उसको एज इट इज छोड़ दें, तो फिर वो दोबारा से वहां पर ट्रीज उगने अपने आप शुरू हो जाएंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इन नेचुरल रिफोरेस्टेशन देर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग। जब कुदरती तौर पे रिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो ह्यूमन बींग का कोई रोल इसमें नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेंडियस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। हमने पहले ही अपने फॉरेस्ट, अपने जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इफ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है उनको ये हरा भरा धन यानी फॉरेस्ट मिलते रहे, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना जरूरी है, और सिर्फ यही इकलौता ऑप्शन है। इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, कानून है। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इस एक्ट का टारगेट क्या है कि जो कुदरती जंगल है उनका सुरक्षित करना और उनका बचा के रखना, और जो वहां पे लोग रह रहे हैं या फिर जंगलों के आसपास के एरिया के लोग रह रहे हैं उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा करना, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का टारगेट है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आज फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।